हेलो सोल्जर्स, कैसे हो? आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। मैं हूँ अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग दोनों है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको बताने वाला हूँ, और जो भी लोग इंडियन नेवी की वैकेंसीज के लिए वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, उन सभी लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। ठीक है, तो सब कुछ आपको बताऊंगा वैकेंसी के बारे में, वैकेंसी क्या होगी, और एक चेंज जो मेजर चेंज हुआ है उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। बने रहिएगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कि अपनी जो क्लासेस हैं अनअकैडमी पे भी आनी शुरू हो गई हैं। अनअकैडमी पे अपनी स्टैटिक जीके की क्लास 8 PM में आती है लाइव, और साथ ही साथ अगर आप जनरल साइंस, मैथमेटिक्स और प्रैक्टिस सेट करना चाहते हो तो सुबह के 10 AM में क्लास आती है। इन सभी के लिए लाइव क्लासेस होती हैं और वहां पे आप रैंक भी बना सकते हो। तो जाओ ज्वाइन करो, फ्री क्लासेस हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कोड पूछा जाए पहली बार तो कोड डाल देना आप ABSTUDY10, आप जरूर जुड़ना। और अभी आगे बढ़ते हैं, उससे पहले इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड देन बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा उसके ऊपर। ये है कि अगर आप इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, NDA या फिर कोस्ट गार्ड के लिए तैयारी कर रहे हो तो अनअकैडमी आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आप इसके थ्रू फ्री में भी लाइव क्लासेस कर सकते हो, साथ ही साथ अगर आप प्लस लेते हो, प्लस में इनरोल करते हो, तो इतने सारे जो फीचर्स हैं आपकी स्क्रीन पर ये सब मिल जाते हैं आप सभी लोगों के लिए। साथ ही साथ ये जो कोड है ABSTUDY10, तो अगर आप मेरी क्लास देख रहे हो अनअकैडमी पे पहली बार, जाके डिस्क्रिप्शन में मेरे प्रोफाइल का लिंक है तो उसे चेक करना, वहां पे आप जाकर के चेक कर सकते हो, जो कि स्टडी विद अभिषेक, जो मेरा अभिषेक कुमार के नाम से होगा, आप सर्च करोगे वहां पे मिल जाएगा। और आप वहां पे ABSTUDY10 कोड यूज करना 10% ऑफ के लिए अगर प्लस में जाते हो तो, अदरवाइज आप फ्री क्लास के लिए सिर्फ ABSTUDY10 यूज करना। आगे अगर बढ़ेंगे तो यहां पे जो है अनअकैडमी पे प्लस में रणविजय, जो कि कंप्लीट NDA के लिए बैच कोर्स है, जो कि 25 जनवरी से शुरू होगा। साथ ही साथ वायु जो है एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए बैच कोर्स है, 26 जनवरी से शुरू होगा। ये सब स्टार्ट हो चुका है। सब्सक्रिप्शन के लिए गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना होगा आपको। उसके बाद अगर आपने पहले ही लाइव क्लास देखते टाइम कोड डाला होगा तो आपको डालने की जरूरत नहीं होगी, अदरवाइज आपको यहां पे ABSTUDY10 डालना होगा 10% डिस्काउंट के लिए। और आगे आकर के आपको इस तरीके से कोड दिख जाएगा, 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और उसके बाद आप इस पे क्विज भी लगा सकते हैं, आप डाउनलोड करने के लिए जाकर के गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल के ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टॉपिक पे। टॉपिक जो है ये है, ये मेजर चेंज है, यानी कि रेडी रॉक 104 स्पॉन्सर्स। तो यहाँ पे एक ये स्पॉन्सरशिप जो है कैंडिडेट्स को मिल रही है, स्पॉन्सरशिप जिनको मिलती है। कैटेगरीज दिया गया है, रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन इन मंथ्स, बोनस मार्क्स, रिटन एग्जामिनेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहले है बैटल कैजुअलिटी, एक्सीडेंट, डाइड, विल लिस्ट इन सर्विस, एंड उसके बाद है विद इन सर्विस, रिटायर्ड, डाइड आफ्टर रिटायरमेंट। ये आपके लिए है, SSR AMR के लिए दिया गया है, AA के लिए भी डेफिनेटली होगा मुझे जहां तक उम्मीद है, नहीं भी हो सकता ये चीज भी आपको मैं बता देता हूं, लेकिन ज्यादा चांसेस कि डबल ए के लिए भी होगा। इसमें एज रिलैक्सेशन आपको 12 मंथ की मिलेगी, 12 महीने की एज रिलैक्सेशन मिलती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपके किसी भी फैमिली, जैसे फादर हैं, अगर आपके ऐसा कुछ होता है तो आपको मिल जाएगी। और बोनस मार्क्स भी दिया गया है, अगर वो जो सर्विस है उसमें रहते हुए उनको कुछ हुआ है तो फिर आपको 8 मार्क्स का यहां पे जो बोनस दिखा रहा है वो मिल जाएगा। मोर देन 50% का एग्जेम्प्ट मिल जाएगा आपको SSR में, लेस देन 50% अपीयर में मिल जाएगा। ये सब है। AMR के लिए भी ऐसे ही आप चेक कर सकते हो यहां पे। और विद इन सर्विस में है, यहां पे 5 मार्क्स का जो यहां पे दिया जा रहा है बोनस मार्क्स, और एज रिलैक्सेशन जो है 6 महीने का, और रिटायर के बाद अगर हुआ है तो 6 महीने का। ये इस तरीके से सभी चीजें आप देख सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी आपको दिखाया जा रहा है आपकी स्क्रीन पर, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। तो एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं आप लोगों को कि वैकेंसीज बहुत ही जल्दी आने वाली हैं। और एक और अपडेट आ जाएगी, 5 PM में आज जो है वेबसाइट बिजी थी, यानी कि मेंटेनेंस में थी, और कल शाम में भी शायद वेबसाइट बिजी थी, यानी कि अंडर मेंटेनेंस थी। तो ये सब चीजें आपको एक ही तरफ इशारा कर रही हैं कि आपकी जो न्यू वैकेंसी है वो बहुत जल्दी आने वाली है। एक और चीज आपको क्लियर कर दूं यहां पे कि आपकी जो न्यू वैकेंसी आएगी बहुत बेस्ट तरीके से इस बार चीजें होंगी उसमें, और आपका एग्जाम भी ऑनलाइन होगा, सब कुछ जैसे सबको एडमिट कार्ड मिलता है उसी प्रकार से मिलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यही जो लिखा गया है, 10+2 इक्विवेलेंट विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड एटलीस्ट वन ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस। यहाँ पे बोनस मार्क्स आपको नहीं मिलेगा बैटल कैजुअलिटी एक्सीडेंट में अगर इनको हुआ है तो, ये सब चीज है इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन बाकियों में आपको मिल जाएगा। ये चीज आप लोग याद रखना, और 1 साल का एज रिलैक्सेशन आप सभी लोगों को मिल रहा है, ये चीज भी आप लोग देख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके लिए है, आप इसे देख सकते हैं। साथ ही साथ AMR के लिए मैट्रिक इक्विवेलेंट है, मैट्रिक इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और अब एक और चीज आपको बता देता हूं कि जो बाकी कैंडिडेट्स हैं जिनका COVID-19 की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है,
है, काफी ज्यादा हुआ है, वो लोग ईमेल जरूर करते रहे। साथ ही साथ आपको बता दूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि उन सभी के लिए भी कुछ होने वाला है, लाइक अगर 6 मंथ 12 मंथ जो भी आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा मुझे फील हो रहा है। पर्सनली मैं ये चीज बता रहा हूँ क्योंकि अभी ऑफिशियली कुछ चीजें नहीं आई है, लेकिन ये चीज है। साथ ही साथ आपकी वैकेंसी जो है 1 से 2 हफ्ते के अंदर, 1 से 2 वीक के अंदर, यानी विद इन 1 और 2 वीक्स ये आपकी वैकेंसी जो है रिलीज कर दी जाएंगी। ये चीज आपको मैं बता रहा हूँ। और एक और चीज आपको बता दूं कि ये एग्जामिनेशन एयरफोर्स एग्जामिनेशन से पहले होगा, यानी जो अप्रैल में 18 से 22 अप्रैल के बीच एयरफोर्स का एग्जामिनेशन है, उससे पहले आपका नेवी का एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। ये चीज आप लोग लेकर के चलो और अभी तैयारी पे ज्यादा से ज्यादा फोकस कर दो, क्योंकि आपकी इंपॉर्टेंस यही चीज रखती है कि आप कितनी तैयारी कर रहे हो एग्जामिनेशन के लिए। तो ये चीज आपके लिए है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो बेस्ट तरीके से तैयारी मेरे साथ मिलकर के अनअकैडमी पे कर सकते हो। यहां पे भी वीडियोस आ रही हैं, तो आप अनअकैडमी पे जाकर के लाइव में वहां पे क्विज सॉल्व कर सकते हो, साथ ही साथ मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, या फिर स्ट्रेटजी के और जो जनरल साइंस मैथमेटिक्स प्रैक्टिस सेट वो सब जो कराता हूं मैं, वो सभी में आप अपीयर करके आप अपना रैंक अच्छा कर सकते हो, रैंक अच्छा कर सकते हो। वहां पे जितने भी कैंडिडेट्स आते हैं 300-400 कैंडिडेट्स लाइव में, उनको पीछे छोड़ सकते हो और अपनी मेहनत को वहां पे दिखा सकते हो लाइव क्लास में। आप लोग वैसे भी बोलते थे कि YouTube पे लाइव क्लास क्यों नहीं लेते हो, तो अभी आपको अनअकैडमी पे मिल रही है लाइव क्लास, तो आप लोग YouTube पे भी आपके लिए वीडियो जरूर आएंगी। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे हर एक चीज को। अब एक बार बता देता हूं, SSR AA के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आपका 10+2 होना चाहिए, फिजिक्स मैथमेटिक्स और एटलीस्ट बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस ये सब जो है इसमें से। लेकिन इसमें जो है परसेंटेज का कोई क्रिटेरिया नहीं है, यानी कि आपका 50% है 40% है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। लेकिन डबल ए जो है उसमें 60% से ज्यादा होना चाहिए तब आपका एडमिट कार्ड आएगा। ये चीज आप याद रखना, एग्रीगेट में आपका 60% से ज्यादा होना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। AMR के लिए भी कोई परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है, आपका 10th होना चाहिए यानी मैट्रिक, या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई एग्जामिनेशन होना चाहिए, आप उसके लिए एलिजिबल हो। ये डिटेल्स हैं, आपको इस तरीके से अपनी तैयारी बिल्डअप करनी होगी कि इस बार ही आप सिलेक्शन ले लो। जो भी लोग मुझसे पूछते हैं कि आप प्लीज ऐसा बताओ कि कैसे हम सिलेक्शन ले लें, क्या करें, आपको बताऊं सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। सेल्फ स्टडी करो, यूट्यूब से कुछ पढ़ो जिन टीचर्स को आप फॉलो करते हो, जिनको जेन्युइनली लाइक करते हो आप, और साथ ही साथ आप अनअकैडमी से तैयारी करो। ये 3 प्लेटफॉर्म आपके लिए अवेलेबल है, एक तो आपका सेल्फ है, सेल्फ स्टडी जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपका बेटर होगा सब कुछ। तो प्लीज ये काम करो, तैयारी पे फोकस करो, क्योंकि अब कुछ रखा नहीं है, अब आपका एग्जामिनेशन होगा तो उस टाइम पे आपकी तैयारी ही देखी जाएगी, ये नहीं देखा जाएगा कि कितने टाइम से आप वेट कर रहे थे वैकेंसीज के लिए या फिर क्या चीज के लिए। रही बात एज रिलैक्सेशन की, तो मुझे पूरी पूरी उम्मीद लग रही है कि एज रिलैक्सेशन ये लोग देंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो लास्ट टाइम जो आपके लिए लिस्ट रिलीज की गई, जो मेरिट लिस्ट थी जो कि SSR AA के लिए रिलीज की गई है, उसमें काफी कम कैंडिडेट्स को लिया गया है, जबकि मेडिकल भी नहीं हुआ था उस टाइम पे, काफी कैंडिडेट्स को कम लिया गया, जो कि ये इशारा करता है, इस तरफ इशारा करता है कि उन लोगों का मन है और वो लोग चाहते हैं कि और लोग हमारे साथ जुड़े। तो जितनी ज्यादा आपको जरूरत है उससे कहीं ज्यादा उन सभी लोगों को, इंडियन नेवी को जरूरत है, आप सभी सोल्जर्स की। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे मेरी बातों को और अब इस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, फोकस करेंगे और आगे बढ़ेंगे नेवी की वैकेंसी के लिए, और उसके लिए जो एग्जामिनेशन है उसके लिए बेस्ट तरीके से तैयारी करेंगे। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में जरूर बताना कि हाउस दी जोश, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हाउस दी जोश एंड शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना अपने पास, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो। थैंक यू सो मच गाइज़।